मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ एवं घर सुल्तानपुर फाउंडेशन द्वारा निशुल्क जांच शिविर का आयोजन दुल्हन मैरिज लॉन सुल्तानपुर में किया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर डीके गुप्ता, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर शशांक शर्मा एमडी मेडिसिन, डॉक्टर एके अग्रहरी, डॉक्टर जनरल फिजिशियन एम तिवारी, डॉक्टर पुष्कर तिवारी डेंटिस्ट और डॉक्टर हैदर जाफरी मौजूद रहे। आए हुए पेशेंट को देखकर डॉक्टरों ने दवा और उचित सलाह दी, जिसमें शुगर और BMI की आज भी की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मरीजों को डॉक्टरों ने देखा और अच्छी से अच्छी सलाह दी, जिसमें घर सुल्तानपुर फाउंडेशन बहुत ही सराहनीय काम किया है। जिले में बहुत घर फाउंडेशन के द्वारा आए दिन ऐसे कार्य होते रहते हैं। सर, वेदांता तो हॉस्पिटल लखनऊ का माना जाना है, आप लोगों द्वारा सुल्तानपुर की जनता के बीच में आ करके निःशुल्क कैंप लगाना, ये तो मान्य रखता है, आप जनता के बीच में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हर फाउंडेशन में, हर सुल्तानपुर फाउंडेशन में, कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं अभी इनके संस्थापकों में उनसे बात कर रहा था, सो मुझे लगता है कि इस तरह का इंस्टीट्यूशन या जो भी मतलब है NGO है, जो भी प्रोग्राम है, वो हर शहर के लिए होना चाहिए, ताकि आप अपने लोगों की हेल्प कर पाएँ। और मैं डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद दूँगा जो इन्होंने कोलाबोरेशन करके आज यहाँ पे एक बड़ी पॉसिबल हुई है, जैसे हम निःशुल्क लोगों की पूरी मदद कर सकें। जैसे सर, अभी तक कितने मरीज आप लोगों ने अपडेट किए? मुझे अभी आज तो मैंने लगभग लगभग 50-60 पेशेंट्स को देखे हैं। तो इसमें किस चीज़ के मरीज ज़्यादा आपको दिखे? देखिए, अभी जो गैस्ट्रो का स्पेशलिटी है, या इवन मैं कहूँ ओवरऑल मेडिसिन में आजकल दिनचर्या और खान पान से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में गैस की समस्या, उन बीमारियों के ही मरीज ज़्यादातर मैंने यहाँ पे देखे हैं। और अमूमन हम इन्हीं बीमारियों के मरीज़ ज़्यादातर देखते भी हैं, लीवर में जैसे फैटी लीवर हो गया, जी सर, हमारे चैनल द्वारा आप जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं ऐसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को ये सलाह देना चाहूँगा कि गैस्ट्रो से संबंधित, पेट संबंधित और लिवर संबंधित जो बीमारियाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जैसे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन या फैटी लिवर, ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आप हमारे खान पान और दिनचर्या से संबंधित हैं। सो अगर हम अपना खान पान सही रखते हैं, सही दिनचर्या रखते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, और जंक फूड जैसे तेल, मसाला, मैदा, डीप फ्राई चीज़ों का परहेज करते हैं, सो बहुत सारी बीमारियों को वैसे ही ठीक किया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे फैटी लिवर का अगर आपको उदाहरण दूँ, तो एक रिसर्च के मुताबिक हर चौथे भारतीय को फैटी लिवर की समस्या है। हम में से कोई भी आपके जानने वाले या कोई भी ऐसे लोग होंगे कि आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो किसी और कारण से, और रिपोर्ट में लिखा जाता है कि भाई फैटी लिवर है, कई बार उसमें लिखा जाता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जैसे ही रिपोर्ट आती है, पेशेंट परेशान हो जाते हैं, आप घबरा के डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई फैटी लिवर हो गया, आप उनसे आकर उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए क्योंकि हमारे खान पान और दिनचर्या बहुत खराब हो गई है। सो खान पान और दिनचर्या सुधारने की बीमारी व्यायाम करने का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं और बहुत वेट ट्रेनिंग करें, कम से कम आप सुबह शाम मिला के आधा घंटा 45 मिनट डेली थोड़ा सा स्पीड आपकी चलने की ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सांस छोड़ लेते हैं, अपना हार्ट रेट बढ़ जाए, थोड़ा पसीना छूट जाए, हफ्ते में 5 से 6 दिन ऐसा करें, ऐसा करके आप बहुत सारी रोगों से बच सकते हैं। और मेरा सुल्तानपुर से अटैचमेंट भी है, यहाँ के पास में ही मेरे ससुराल है, सब लोग लखनऊ में रहते हैं, तो मेरा एक ये भी इमोशनल अटैचमेंट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आना पसंद।